क्या हाल है मित्रों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स अड्डा। आज मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कितने की है, कनाडा में 1 GB डेटा का क्या प्राइस है, क्लाउड को हम कैसे मेजर करते हैं, क्लाउड की यूनिट क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन आईफोन। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1। इंडिया में 2014 से पहले 1 GB डेटा का प्राइस 269 रुपीज था। जैसे ही रिलायंस ने जियो को लॉन्च करा, उसके बाद 1 GB डेटा का प्राइस ₹12 हो गया। इतना बड़ा डिफरेंस सीधा 269 से ₹12, बहुत बड़ा डिफरेंस था। अगर मैं बात करूं कनाडा की, कनाडा में जो 1 GB डेटा का प्राइस है वो ₹904 है, और अमेरिका की बात करें तो वहां पर ₹600 1 GB डेटा का प्राइस है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पर ₹400 है। अगर इसराइल की बात करें तो वहां ₹8 per GB डेटा का प्राइस है। पूरी ही दुनिया में ओनली एंड ओनली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 1 GB डेटा का प्राइस सबसे ज्यादा लो है। इंडिया के अंदर 1 GB डेटा का प्राइस ओनली एंड ओनली ₹6.5 है। सो ये बड़े कमाल की बात है। और इंडिया में 75 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। ये हमारा पहला फैक्ट था। सेकंड फैक्ट, और अगर हम कोई भी लग्जरी कार या कोई सी भी कार अगर हम परचेज करते हैं एक्सपेंसिव, तो हम ये सोचते हैं कि जो इसकी नंबर प्लेट है वो थोड़ी VIP नंबर प्लेट हो। हम उसके लिए 3-4 लाख रुपए भी स्पेंड कर देते हैं नंबर प्लेट के लिए। सो ऐसे ही पूरी दुनिया की जो सबसे महंगी नंबर प्लेट है उसकी कीमत है 132 करोड़, और ये नंबर प्लेट बुगाटी कार पर लगाई जाती है। इस नंबर प्लेट पर F1 लिखा हुआ होता है। सो यार इतने में तो कोई बंदा 40 लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है। तो है ये फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट, अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर से करते हैं, अगर हमें कोई वेट मेजर करना हो, किसी चीज का वजन मेजर करना हो, तो किलोग्राम का यूज करते हैं हम, kg। डिस्टेंस मेजर करना हो मीटर किलोमीटर, अगर हमें कोई भी चीज मेजर करनी हो तो हर किसी चीज की एक स्पेसिफिक यूनिट बनाई हुई है हर क्वांटिटी की। उसी टाइप से अगर हमें क्लाउड बादल अगर हमें उसको मेजर करना हो तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई है उसका नाम है ऑक्टा। 1 ऑक्टा से लेकर 8 ऑक्टा, टोटल 8 ऑक्टा तक होते हैं। 1 ऑक्टा हमें बताता है कि वेदर कैसा है। 1 ऑक्टा का मतलब होता है सनी वेदर, और 8 ऑक्टा का मतलब होता है क्लाउडी वेदर। सो आगे बढ़ते हैं जो हमारा फोर्थ फैक्ट है। फोर्थ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर कोई ये सोचता है कि वो एक आईफोन परचेज करे, क्योंकि आईफोन काफी एक्सपेंसिव भी होता है, फिर उसकी क्वालिटीज एंड उसके फीचर्स वगैरह बहुत ही बेस्ट होते हैं। सो चाइना में तो एक लड़का था जिसने अपनी किडनी बेच दी थी आईफोन को परचेज करने के लिए। सो आईफोन का क्रेज बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया में तो बहुत ज्यादा आईफोन का क्रेज, और किसी के पास आईफोन हो तो हर किसी ये सोचता है कि हाँ भाई काफी रिच बंदा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये ऐसा लोगों ऐसे थॉट हो चुके हैं, ऐसा माइंड है उनका, सोचते हैं वो इस बारे में। लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईफोन में आई का मतलब क्या होता है। तो आईफोन में आई का मतलब होता है काफी मतलब होते हैं, जैसे कि आई का मतलब होता है इंटरनेट फोन, इंडिविजुअल फोन, इंस्ट्रक्ट फोन, इनफॉर्म फोन एंड इंस्पायर फोन। ये आईफोन में आई का मतलब होता है, पास्ट मतलब होते हैं आईफोन में आई के। सो यही आज के फैक्ट्स थे। बाकी मैं डेली वीडियोस फैक्ट्स की डालता रहूंगा, और अभी नया चैनल स्टार्ट करा है तो आप लोगों से जितना हो सके उतना चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।